हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर। मैं अपने इस विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दिल की गहराइयों से। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक 20x45 100 वर्ग गज का मकान, जो कि आप देख सकते हैं, एक सेमी डुप्लेक्स लेकर के आया हूँ, जो कि कालवाड़ रोड हातोज में किशोरपुरा रोड के पास है। और ये जो मेन कालवाड़ रोड है, वहाँ से हार्डली 400 मीटर अंदर है ये। तो आप देख सकते हो, ये पूरी कॉलोनी, यहाँ पर सारे मकान वगैरह सब भरे हुए हैं। आज आप यहाँ पर रह सकते हो, ये सारी कॉलोनी वगैरह है, पानी बिजली सब व्यवस्था है यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं मकान के लिए। आप देख सकते हो, ये 20x45 से डुप्लेक्स है, एक ये है और इसी के बगल में। तो रेडी पोजीशन जो है, अभी रेडी हालत में है, उसके अंदर हम चलते हैं। ये है रैंप और इसी से जैसे हमने एंटर किया तो ये है पार्किंग। पार्किंग एरिया आप देख सकते हो, बेहतरीन है, एक फोर व्हीलर व्हीकल आराम से खड़ा हो सकता है। साथ ही यहाँ पर और स्पेस भी यूटिलाइज रहेगा कि जो बचा रहे। इसके साथ में आप देख सकते हैं, ये है पानी का टैंक, वाटर टैंक है, जो कि 5000 लीटर कैपेसिटी का है। और वहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बॉक्स बनाया हुआ है जो कि मीटर के लिए है। और वहीं ये फ्रंट साइड का बेडरूम होगा और इसके सामने आप देख सकते हैं 350 की ये बैल्कनी दी हुई है। इसी के साथ अगर हम अंदर की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हो, मेन रोड से काफी हाइट लिया हुआ है मकान, आप देख सकते हैं। और रोड से 3 स्टेयर, जैसे हमने एंटर किया आप देख सकते हैं, बेहतरीन ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं। जैसे हमने एंटर किया डाइनिंग हॉल है और डाइनिंग हॉल के अंदर आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है। और ऊपर आप देखें तो फॉल सीलिंग रॉयल प्लेमेड डिजाइन ऐसी फिटिंग है। तो आप देख सकते हैं, ये फॉल सीलिंग और रॉयल फ्लेम में डिजाइन है। और आप क्या देख सकते हैं, ये वॉलड्रोप्स है, जो कि वॉलड्रोप्स के गेट आए हैं यहाँ पे। और अगर इसकी साइज देखें हम तो 12x14 साइज है। और वहीं पे आप देख सकते हैं ये एलईडी पैनल, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक शानदार अच्छी डिजाइन का है, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं ये सामान वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है कॉमन बाथरूम, इंडियन टॉयलेट है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, बेहतरीन शानदार रोशनी है इसके अंदर, एकदम दिन जैसा रोशनी उजाला है यहाँ पर। डाइनिंग हॉल, अब ही चलते हैं हम बेडरूम, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में जैसे हमने एंटर किया आप देख सकते हैं, एक बेहतरीन ब्यूटीफुल, एक अच्छा लग्जरी लिविंग लाइफ स्टाइल का है। हॉल सीलिंग दी हुई है सभी में, रॉयल प्लेमेड डिजाइन है, एसी फिटिंग है और अटैच टू गैलरी है। आप देख सकते हैं गैलरी, जो कि 4 फीट की गैलरी है, काफी स्पेशियस है। और यहाँ पर आप वॉशिंग एरिया का भी कर सकते हो, काम में ले सकते हो। इसी के साथ सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये जाल लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ अटैच टू बाथरूम, आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम में अटैच बाथरूम है, एक बेहतरीन टाइल्स वगैरह की डिजाइन शानदार है। ये वेस्टर्न टॉयलेट है, वार्डरोब, पूरा वार्डरोब दिया हुआ है गोदरेज अरमान का, जो कि शानदार और अच्छी डिजाइन के दिए हुए हैं। ये था अपना मास्टर बेडरूम। अभी हम चलते हैं, ये नॉर्थ फेसिंग मकान था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये है मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन है, जो कि 8x7 का मॉड्यूलर किचन है, पूरे फर्नीचर वगैरह सब फिटेड है, आप देख सकते हैं ट्रॉली वगैरह। और ऊपर ये जो बॉक्स लगे हुए हैं, इनके अंदर सामान रखने के लिए जगह बनी है। और ये जगह जो स्पेस छोड़ा हुआ है, ये चिमनी के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉश बेसिन वगैरह, और इसके अंदर अभी सैनिटरी लगी नहीं है, सैनिटरी के लिए जगह छोड़ी है, यहाँ वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि बहुत जगह
किचन के अंदर फ्रीज रखने की समस्या होती है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर एक फ्रीज के लिए स्पेस छोड़ा है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। मैंने देखा था अभी हम चलते हैं फ्रंट साइड का जो बेडरूम है उसके लिए। इससे पहले आप हॉल में देख सकते हो ये अलमीरा दिया हुआ छोटा सा जहाँ आप सामान वगैरह रख सकते हैं। ये बहुत डिजाइन में और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत स्पेशल लग जाएगा। अभी हम आ गए हैं फ्रंट साइड बेडरूम में। वॉल टू वॉल में डिजाइन है, आप देख सकते हैं बेहतरीन डिजाइन। हर एक रूम में अलग अलग तरह की डिजाइन की गई है, एसी फिटिंग है, रॉयल है। अभी आप देख सकते हो ये है फ्रंट साइड बेडरूम। फ्रंट साइड बेडरूम है जिसकी साइज है 10x12 और आप देख सकते हैं वॉल सीलिंग रॉयल फ्लेम में डिजाइन है। एक वॉल पे प्रीमियम कलर है, एसी फिटिंग है और आप देख सकते हैं फ्रंट एंट्री भी है। यहां से फ्रंट एंट्री है और ये है बालकनी। इसकी देख सकते हो आप मेन एंट्रेंस भी है यहां से और इसी के साथ ये बालकनी है जो कि 5x10 साइज है। दोस्तों ये लोनेबल प्रॉपर्टी की है। ये 100 वर्ग गज का मकान है जिसकी कीमत मात्र 31 लाख रुपीज है और नेगोशिएबल है। अगर आपको पसंद है तो दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर टेरिस पे ले जाकर के ओवरव्यू इस एरिया का। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, मैं आपको रूफ टॉप पे चलते हैं, छत से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ओवरव्यू। ये आप देख सकते हैं मार्बल की सीढ़ियां हैं और स्टील की रेलिंग है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने नॉन जानकार रिलेटिव दोस्तों को इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए जिससे आपको एक बेस्ट डील करने में फायदा होगा, मनचाही प्रॉपर्टी मिलेगी। साथ ही अगर आप सर्च कर रहे हैं जयपुर में कहीं भी प्रॉपर्टी तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके रिश्तेदार वगैरह भी कोई प्रॉपर्टी सर्च करने की देख रहे हैं या सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी आगे लेने की सोचेंगे तो उन्हें जरूर इस चैनल के बारे में बताइए। तो चलते हैं हम आगे। इसके साथ में वेंटिलेशन के लिए डिजाइन किया हुआ है जिससे पूरी रोशनी जैसे हमने अभी छत पे उठा रहे हो यहाँ पर भी काफी स्पेस दिया हुआ है जिसका आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी हम टेरिस पे आ चुके हैं और ये सेमी डुप्लेक्स है और ये आप देख सकते हैं पीछे का एरिया है जहाँ पर की सारे मकान वगैरह बने हुए हैं। काफी अच्छी रहने की रिहायशी कॉलोनी है, बहुत कम खाली प्लॉट मिलेंगे आपको, सभी लगभग मकान बने हुए हैं। वहीं पे यहाँ पर पानी के लिए 2 टंकी है जिसमें आप देख सकते हो एक टंकी ये छोटी जो टंकी है ये है किचन के लिए और वहीं एक बड़ी टंकी ऊपर है जो कि बाथरूम के लिए है। इस तरह से अलग अलग टंकियाँ लगाई हुई है पानी के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियाँ लगाई हुई है जो कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ में अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ फ्रंट साइड के जो बेडरूम ऊपर सेमी डुप्लेक्स है उसके अंदर ऊपर एक रूम दिया और बाथरूम दिया हुआ है। सकते हैं ये है बाथरूम जो कि ऊपर है और वेस्टर्न टॉयलेट है। ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये वॉश मशीन के लिए जगह छोड़ी हुई है जहाँ पर वॉश मशीन अभी लगना बाकी है, यहाँ लगेगा। आप देख सकते हैं फ्रंट साइड का ऊपर का बेडरूम है जो जिसकी साइज है 11x12 साइज है और आप देख सकते हैं और ये रॉयल फ्लेम में डिजाइन है और पीओपी में ऊपर डिजाइन दी हुई है, प्रीमियम कलर है और इसी में आप देख सकते हैं गोदरेज की अलमारी जो दी हुई है, फुली वेंटिलेशन है और सामने इसी के साथ में आप देख सकते हैं बालकनी। साथ में आप देख सकते हो ये ग्रिल्स वगैरह सिक्योरिटी के लगाई हुई है, साथ ही यहाँ पर कूलर पॉइंट के लिए भी दिया हुआ है जहाँ की कूलर की विंडो लगाई हुई है। अभी आप देख सकते हो अभी हम है बालकनी में जो कि बालकनी 5x20 साइज की है और ऊपर देख सकते हो आप वुडन कलर किया हुआ है जो कि वुडन का एक फीलिंग देता है, साथ ही इतनी बड़ी अच्छी और बालकनी है, स्पेशियस बालकनी है। आप देख सकते हैं ये डिजाइन है जो कि पत्थर की जाली है जो कि बहुत ही अच्छा लुक देती है मकान की सुंदरता को और चार चांद लगा देती है। उसी के साथ में इतनी स्पेशियस बालकनी है जो कि आपको यहाँ शाम के टाइम में आप बैठ करके आराम से यहाँ रेनफॉल का लुत्फ उठा सकते हो।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये सामने की तरफ का एरिया, ये देख सकते हो आप काफी मकान और अभी भी काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो एक बेहतर डील होगी अगर आप चाहते हो, अगर मकान कोई ऐसा मकान ढूंढते हो आप जो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग हो और स्पेशियस भी हो, जो लगभग 100 गज के आसपास अगर आप मकान ढूंढ रहे हो तो आपकी सर्चिंग यहां आकर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप देख रहे हो मकान तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। बाय, टेक केयर।